नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आरसीपी सिंह और जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बार बार इनकी कहानी सुनकर आप थक गए होंगे, लेकिन आज एक नई कहानी है। ये बिहार में काफी कम समय और काफी जल्द होने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह को लेकर क्या सोचती है, ये भी ललन सिंह ने और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट किया है और कहा है कि दूसरे दल से अगर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो ये कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जदयू में कोई वैकेंसी नहीं है। बात की जाए तो ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र मुंगेर है और ललन सिंह वहां से जीत कर आए हैं, लेकिन आरसीपी सिंह जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ललन सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि आरसीपी का जनाधार क्या है और आरसीपी सिंह कैसे टक्कर देंगे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, और खासतौर पर जब चर्चा शुरू हुई है तो नीतीश के नालंदा में आरसीपी सिंह पहले से ही डेरा जमा चुके हैं। नालंदा पर आरसीपी का कब्जा करने का पूरा मन है। वहीं अगर बात की जाए तो ललन सिंह को लेकर भी आरसीपी सिंह ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत मुंगेर में खुद या डमी कैंडिडेट के माध्यम से ललन सिंह के खिलाफ फील्डिंग करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ललन सिंह के खिलाफ फील्डिंग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ललन सिंह को वहां मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कि विधानसभा और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और जदयू साथ लड़ती है। बात की जाए तो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है और पटना में जनसभा के माध्यम से, भव्य रोड शो के माध्यम से भाजपा स्पष्ट कर चुकी है। ऐसे में ललन सिंह को लेकर जब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद वो मंत्री बनेंगे, तो आरसीपी सिंह ने भी एक नए प्लान के तहत मुंगेर संसदीय क्षेत्र में अब डेरा जमाना शुरू कर दिया है। मोकामा में पिछले दिनों वो थे, मोकामा अनंत सिंह का गढ़ रहा है, लेकिन मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता है तो कहीं ना कहीं अब नालंदा से उठकर मोकामा और मुंगेर क्षेत्र में आरसीपी की सक्रियता अगर बढ़ रही है तो ललन सिंह के लिए खतरा है। हो सकता है ललन सिंह के विरुद्ध आरसीपी सिंह को चुनाव लड़ जाए या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन न होने की स्थिति में वो भाजपा से लड़े या डमी कैंडिडेट के माध्यम से ललन सिंह को एक बार फिर से फंसाने की कोशिश करे। फिलहाल देखना होगा राष्ट्रीय जनता दल और बाकी दलों की इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, लेकिन खास तौर पे ललन सिंह के खिलाफ जब चुनावी बिगुल उन्होंने फूंका है तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि मुंगेर से कौन जीतता है और कौन हारता है। हालांकि आरसीपी सिंह लगातार पार्टी से बाहर जाने के बावजूद भी हार नहीं मान रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार और तमाम नेताओं के विरोध में उनके समर्थक बयान दे रहे हैं और समर्थकों का हुजूम ही बताता है कि नेता की वास्तविक स्थिति क्या है, नेता किस तरफ चलने वाले हैं। उसी प्रकार से समर्थक ने जब मुख्यमंत्री बनाया है तो आरसीपी की वाकई इच्छा होगी मुख्यमंत्री बनने की। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।